साथियों, एक समय था जब माना जाता था कि यातायात के आधुनिक साधनों पर पहला अधिकार सिर्फ बड़े बड़े शहरों का ही है। मुंबई हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, सब कुछ उनको ही मिले। लेकिन अब सरकार की बदली है, मिजाज भी बदला है और ये मोदी है, ये योगी है। अब उस पुरानी सोच को छोड़कर, उसे पीछे रखकर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। साल 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी के जो काम शुरू हुए, उनमें बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों को भी उतनी ही प्राथमिकता दी गई है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजर रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के साथ ही बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजर रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ को जोड़ता है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ने का काम करेगा। दिखता है कितनी बड़ी ताकत पैदा हो रही है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। और यही तो सबका साथ है, सबका विकास है। न कोई पीछे छूटे, सब मिलकर आगे बढ़े। इसी दिशा में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। यूपी के छोटे छोटे जिले हवाई सेवा से जुड़े, इसके लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। बीते कुछ समय में प्रयागराज, गाजियाबाद में नए एयरपोर्ट टर्मिनल बनाए गए, कुशीनगर में नए एयरपोर्ट के साथ ही नोएडा के जेवर में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। भविष्य में यूपी के कई और शहरों को वहां भी हवाई रूट से जोड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसी सुविधाओं से पर्यटन उद्योग को भी बहुत बल मिलता है। और मैं जब आज यहां मंच पर आ रहा था, तो उसके पहले मैं इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रेजेंटेशन देख रहा था, एक मॉड्यूल लगाया वो देख रहा था, और मैंने देखा कि इस एक्सप्रेसवे के बगल में जो जो स्थान है वहां पर कई सारे किले हैं। सिर्फ झांसी का ही किला है ऐसा नहीं, कई सारे किले हैं।
आप में से जो विदेश की दुनिया जानते होंगे उनको मालूम होगा, यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां पर किले देखने का एक बहुत बड़ा टूरिज्म उद्योग चलता है और दुनिया के लोग पुराने किले देखने के लिए आते हैं। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद मैं योगी जी की सरकार को कहूंगा कि आप भी इन किलों को देखने के लिए एक शानदार टूरिज्म सर्किट बनाइए, दुनिया भर के टूरिस्ट यहां आए और मेरे बुंदेलखंड की इस ताकत को देखे। इतना ही नहीं, मैं आज योगी जी से आग्रह एक और करूंगा, आप उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए इस बार जब ठंड की सीजन शुरू हो जाए, मौसम ठंडी का शुरू हो जाए, तो किले चढ़ने की स्पर्धा आयोजित कीजिए और परंपरागत रास्ते से नहीं, कठिन से कठिन रास्ता तय कीजिए और नौजवान को बुलाइए, कौन जल्दी से जल्दी चढ़ता है, कौन किले पर सवार होता है। आप देखना उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवान इस स्पर्धा में जुड़ने के लिए आ जाएंगे और उसके कारण बुंदेलखंड में लोग आएंगे, रात को मुकाम करेंगे, कुछ खर्चा करेंगे, रोजी रोटी के लिए बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो जाएगी।